समाचार रुक करते हैं खबरों की ओर। रायबरेली में कांग्रेस ने मेगा चुनावी प्लान बनाया है। भाई राहुल के लिए प्रियंका गांधी का जोरदार प्रचार होगा। दौरे के तीसरे दिन प्रियंका नुक्कड़ सभाएं करेंगी। 12 से अधिक नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगी। राहुल गांधी के पक्ष में मतदान की अपील की जाएगी, जहाँ बछवा व विधानसभा से नुक्कड़ सभाओं का आयोजन होगा। तो प्रियंका गांधी भाई राहुल गांधी के लिए मैदान में उतरी हुई है और उनके लिए देखिए 12 से अधिक नुक्कड़ सभाएं की जाएंगी। तो बछरावा विधानसभा में नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया जाएगा, जहां रायबरेली में कांग्रेस ने मेगा चुनावी प्लान बनाया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ रोहित हमसे जुड़ चुके हैं। रोहित, देखिए चुनावी रण है और जिस तरह से राहुल गांधी रायबरेली से मैदान में उतरे हुए हैं, अब चुनावी मेगा प्लान बनाया जा रहा है, क्या कुछ ये कार्यक्रम रहने वाला है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा के रायबरेली दौरे का तीसरा दिन है, जहां पर दौरे के पहले दिन उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया था। वही दौरे के दूसरे दिन पूरे दिन वो जो है पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग विधानसभा वाइज जो है ब्लॉक वाइज जो पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग बैठक की थी और चुनावी रणनीति बनाई थी। वही दौरे का तीसरा दिन है, जहां दौरे के तीसरे दिन आज वो जो है विधानसभा क्षेत्र में लगभग नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगी। साथ ही साथ जो है राहुल गांधी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगी। आपको बता दें कि जिस हिसाब से देखा जाए राहुल गांधी रायबरेली से कांग्रेस के प्रत्याशी है, वही भारतीय जनता पार्टी ने धीरेन्द्र प्रताप सिंह को अपना प्रत्याशी बना रखा है। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से देखा जाए उत्तर प्रदेश में इकलौती ऐसी सीट 2019 के लोकसभा चुनाव में थी कि जो कांग्रेस के पाले में गई थी, तो उस सीट को अपने पक्ष में फिर से करने के लिए 2024 में कांग्रेस पूरी तरह से जो अड़ी चोटी का जोर लगा रही है, मेगा प्लान तैयार कर रही ताकि अधिक से अधिक मतों से राहुल गांधी को यहां से विजय किया जा सके। तो इसकी जो कमान है खुद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने हाथों में ले रखी है। तो कहीं ना कहीं लगातार वो रायबरेली में 3 दिनों से यहाँ पे दौरे पे हैं और लगातार उनका दौरा ये भी 18 जो है मई तक चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मंच से भी ऐलान कर रखा है कि 18 मई तक वो रायबरेली में ही रहेगी, रायबरेली और अमेठी की कमान संभालेंगी। तो कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा के रहने से जो पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता है उनमें काफी जो है जोश देखने को मिला, काफी वो उत्साहित दिखाई दे रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार जो नाराज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे उनको भी मनाने में जुटी हुई है और जो अन्य लोग हैं उनको कैसे पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान कराए इसको लेकर जो है रणनीति भी तैयार की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि आप रायबरेली की जमीनी हकीकत देख रहे हैं और राहुल गांधी रायबरेली से मैदान में उतरे हुए हैं, अगर रायबरेली की जनता की बात की जाए तो क्या कुछ उनका मूड नजर आ रहा है राहुल गांधी को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं जिस हिसाब से अगर पहले देखा जाए 5 साल जो है यहाँ से लगातार जो सोनिया गांधी सांसद होने के बाद रायबरेली नहीं आई थी, तो कार्यकर्ताओं के साथ साथ रायबरेली जनमानस में जरूर जो है थोड़ा सा आक्रोश व्याप्त था। लेकिन जब ये शुरुआत हुई कि रायबरेली से आखिर चुनाव कौन लड़ेगा, गांधी परिवार के चुनाव न लड़ने की जब अटकलें सामने आने लगी तो लोगों की डिमांड होने लगी कि गांधी परिवार का ही सदस्य रायबरेली से चुनाव लड़े। लेकिन जब ऐन मौके पर ऐलान हुआ 3 मई को कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने नामिनेशन 3 मई को किया, उसके बाद से देखा जा रहा है कि उत्साह का दौर तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो समर्थक है उनमें भी उत्साह देखने को मिला और लगातार ये बात सामने निकल के आ रही है कि राहुल गांधी के पक्ष में लोग जो है दीक्षित मतदान करने के लिए विचार भी कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद रोहित तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए आगे।